देखिए, सोमवार की सुबह जो एक कोरोना पॉजिटिव एक नए इलाके से सामने आया है, उसको जेएलएन अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया गया है। चिकित्सा विभाग की टीम ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है और उसका इलाज अब जारी है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए, सोमवार की जो सुबह है वो अजमेर के लिए एक बार फिर बुरी खबर को लेकर आया है। अजमेर के मुस्लिम जो मोची मोर्चा का मोची मोहल्ले का जो इलाका है, यहाँ से एक युवक है जो बिहार से अजमेर आया था। यहाँ पर अजमेर में आकर टोपी और कपड़े बेचने का काम करता है और इसकी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर मेडिकल की टीम ने स्क्रीनिंग तेज कर दी है। पूरी इंक्वायरीज और जितने भी आसपास के मकान हैं उन तमाम लोगों के नाम और उनके यहाँ पर संख्या कितनी रहती है, किसी में किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं है, इस चीजों को लेकर स्क्रीनिंग तेज कर दी गई है। यानी कि लगातार जो अजमेर का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो चिकित्सा विभाग है, वो लगातार स्क्रीनिंग पूरे शहर की कर रहा है और खासकर उन इलाकों की जहाँ से केसेस इस समय निकल के आ रहे हैं। अब ये जो इलाका है, मुस्लिम जो मोहल्ला है, मुस्लिम मोची मोहल्ला जो इलाका है, ये दरगाह के पास का बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर जिस तरीके से लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुले मकान नहीं है किसी प्रकार से, बहुत कम पतली पतली गलियां हैं, यहाँ पर संकरी गलियां हैं और इसलिए यहाँ पर उस तरीके से टीम यानी कि बात करें तो जो जिला प्रशासन की ओर से सैनिटाइज करने वाली जो टीम है वो उस तरीके से यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है। तो अब सिर्फ चिकित्सा विभाग के पास ही ये जिम्मा रह गया है कि वो पूरी तरीके से स्क्रीनिंग करे और तमाम जो आसपास के लोग हैं उनकी जानकारी को एकत्रित करे और ये पता लगाने की कोशिश करे कि किसी प्रकार से इस युवक के संपर्क में कोई या और तो नहीं आया है। जिस इमारत के अंदर ये युवक रहता था, इस इमारत के अंदर तकरीबन 22 से 25 लोग और रहते थे। उन 22 से 25 लोगों की बाकायदा स्क्रीनिंग इस वक्त हो रही है और उसके साथ उनकी जांच चल रही है और हो सकता है कि चिकित्सा विभाग एहतियातन तौर पर इन तमाम लोगों के बीच जांच सैंपल ले ले और उसके बाद में मेडिकल की जो टीम है वो अपनी रिपोर्ट जारी करे कि आखिरकार क्या इससे इस इमारत में रहने वाले कुछ और जो लोग हैं वो तो संक्रमित नहीं हुए। लेकिन बहुत बड़ी चिंता की बात अब हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जो केसेस आ रहे थे वो तमाम खानाबदोशों के केस आ रहे थे। रविवार को भी 5 मामले आए कोरोना पॉजिटिव से, खानाबदोश से जुड़े हुए थे, लेकिन आज जो केस आया है इस केस ने प्रशासन को प्रशासन महकमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि एक ये नया केस है और अब जो तमाम आसपास के इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। आज लॉकडाउन को जिस तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन राजस्थान में लागू किया गया था उसको लेकर भी जानकारियां आ रही हैं कि तमाम विभागों के अंदर कई कर्मचारियों को वापस घर जाने के लिए कह दिया गया है। और इस तरीके से जब एक नए इलाके से केस सामने आया है तो अब चिंता और ज्यादा बढ़ गई है और शहरवासियों से एक जो बहुत बड़ी अपील प्रशासन कर रहा है इस वक्त, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि 20 अप्रैल से शहर के अंदर हलचल शुरू हो गई है और लोग बड़ी संख्या में बाहर भी निकले थे, लेकिन पुलिस ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है और एक निवेदन किया है तमाम शहरवासियों से कि 3 मई तक किसी प्रकार के लॉकडाउन के अंदर कोई रियायत, कोई छूट नहीं दी गई है, किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि घर से बाहर अगर आप निकलेंगे तो हो सकता है कि कोरोना वायरस को अपने साथ घर पर ले जाएं और अपने परिवार की जान को आप संकट में डाल दें, इसलिए उनकी अपील भी है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आज कोरोना पॉजिटिव का नया मामला एक नए इलाके से मिला है, ये एक चिंता के विषय है और लगातार प्रशासन चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो स्क्रीनिंग कर रही है और अब इस इलाके में लगभग 3 से 4 बार इस पूरे इलाके में स्क्रीनिंग होगी टाइम शेड्यूल के मुताबिक। जो जैसा हमने पहले भी अपनी पिछली रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया था कि जो मेडिकल की टीम है जब भी किसी इलाके से कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है तो वहां पे चरणबद्ध तरीके से स्क्रीनिंग की जाती है और ऐसे ही अब इस इलाके के अंदर दोबारा से यानी कि 3 से 4 बार स्क्रीनिंग एक बार इस इलाके के अंदर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अब फिर चरणबद्ध तरीके से 3 से 4 बार स्क्रीनिंग की जा सकती है। पुलिस महकमा पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और ये हो सकता है कि देर शाम तक इस इलाके के जो आसपास के जो इलाके हैं उस इलाके के अंदर सख्ती बहुत कर दी जाए किसी प्रकार से। यहाँ पे जो आसपास की दुकानें हैं, वैसे तो यहाँ पर कुछ भी खुला हुआ नहीं था क्योंकि ये जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाका ये पहले से है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव नए इलाके से आना ये चिंता की विषय और इसको लेकर जांच इस वक्त मेडिकल की टीम कर रही है कि आखिरकार इस नए युवक में कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो किस तरीके से, किससे संक्रमित हुआ है, किसके संपर्क में आया है और उसको लेकर तमाम तरीके की जांच जो है वो फिलहाल चल रही है। शेल्टर होम्स में जो हमारे इकट्ठे जो थे उनके जो हमने 237 सैंपल भेजे थे उनसे कल 5 पॉजिटिव आए हैं
और आज एक हमारा जो जेलन में सैम्पलिंग हुई उसके अंदर एक दरगाह के मुस्लिम मोहल्ले में का एक बिहार का नागरिक है जो अजमेर में फुटपाथ पे कपड़े बेचता है वो पॉजिटिव आया। ये व्यक्ति कहाँ रहता था? कहाँ? मुस्लिम मोची मोहल्ला। और किसी व्यक्ति के संपर्क में? ये इसकी फैमिली बिहार में है, बाकी इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी जारी है।